Hello guys, welcome to my channel. So in today's video I'll be sharing 5 pros, that is advantages of being a cabin crew. So if you want more such videos, please subscribe to my channel, hit the like button, comment down below and let me know if you have any doubts regarding cabin crew interview, or if you want me to make any videos for you, I'll be very happy to answer you. And yeah, share this video as much as you can, and without any further ado, let's start with the video. So har cheez mein advantages aur disadvantages hote hi hai, waise hi cabin crew ke job mein bhi kai advantages hote hai and disadvantages bhi hote hai. So aaj ke video mein main aapko 5 aise pros ya advantages bataungi cabin crew banne ke, aapko kyun cabin crew बनना चाहिए and cabin crew बनने के 5 advantages बताऊंगी. And मैं इसके बाद एक और video बनाने वाली हूँ जिसमें मैं आपको 5 disadvantages बताऊंगी cabin crew बनने के. So अब मैं आपको बताऊंगी cabin crew बनने के 5 advantages क्या होते हैं. So the first advantage is free travel. So ये सबसे best advantage है cabin crew बनने का, कि अगर आप cabin crew बनते हो तो आपको airline की tickets free होती है या discounted rates पे होती है, जो एक बहुत अच्छी बात होती है. तो आप अपने friend, आप अपने family के साथ travel भी कर सकते हो, क्योंकि आपके family को भी ये advantage मिलता है free या discounted travel का. So ये एक बहुत अच्छा और best advantage है to be a cabin crew, कि आप को जहाँ पे भी ट्रैवल करना है आपको फ्री ट्रैवलिंग रहती है. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. सो द सेकेंड एडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू इज दैट टर्निंग लेओवर इनटू वेकेशंस. सो टर्निंग लेओवर इनटू वेकेशंस में ये इसका ये मतलब होता है कि आपको दुनिया के हर कोने में लेओवर्स मिलते हैं, आपको हर जगह लेओवर्स मिलते हैं. तो आप वो लेओवर को एक वेकेशन ट्रिप के जैसे भी कर सकते हो. आप आपके अगर कोई रिलेटिव्स वहाँ पर रहते हैं तो आप उनसे मिलने जा सकते हो, आपके सेट ऑफ क्रू के साथ आप पार्टी पर जा सकते हो, वहाँ पे जो अच्छी अच्छी जगहें हैं आप वहाँ पे जा सकते हो. तो आप एक लेओवर में बहुत कुछ एक्साइटिंग कर सकते हो, जैसे कि आप कोई वेकेशन पर आए हो. एंड आपको हर एक फ़्लाइट के बाद लेओवर मिलता है, मोस्टली हर एक फ़्लाइट के बाद लेओवर मिलता है. सिर्फ डे रिटर्न फ्लाइट्स में आपको लेओवर नहीं मिलता है, बाकी आपको हर एक फ़्लाइट के बाद लेओवर मिलता है. तो आप लेओवर पे जाके काफ़ी मस्ती और मज़े कर सकते हो, जैसे कि आप एक वैकेशन पे आए हो. सो दैट्स द बेस्ट थिंग अबाउट बींग अ कैबिन क्रू, एंड ये सेकेंड एडवांटेज है. सो द थर्ड एडवांटेज ऑफ बींग अ कैबिन क्रू इज़ लिविंग अ लग्जरियस लाइफ. जैसे कि आप एक कैबिन क्रू बनते हो तो आपकी लाइफ किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं रहती है. आपको हर पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करने मिलता है एंड यू गेट पेड टू ट्रैवल. ये भी एक एडवांटेज है. तो आपको ट्रैवल करने मिलता है, बड़ी से बड़ी लग्जूरियस 5-स्टार होटल्स में रहने मिलता है, आपका पे पैकेज अच्छा होता है, एंड आपके साथ यू नो आपको कोई भी यूनिफॉर्म में देखता है तो आपके साथ पिक क्लिक करने के लिए आ जाता है, जैसे कि आप बहुत बड़े सेलेब हो. तो ये एक बहुत अच्छा फील होता है अंदर से, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील होता है, एंड आपकी लाइफ बहुत लग्जूरियस होती है. एंड आप शॉपिंग कर सकते हो, आप सब कर सकते हो, बिकॉज आपको पे पैकेज बहुत अच्छा रहता है, एंड आप अच्छे से अपनी लाइफ में रह सकते हो इफ़ यू बी अ कैबिन क्रू. सो दिस इज़ द थर्ड एडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. So the fourth advantage of being a cabin crew is meeting the people from different parts of the country and different places in the world and being friends with them and working with them. तो ये एक advantage इसलिए है कि आपको वो लोगों के बारे में जानने को मिलता है जो आपसे काफ़ी अलग है एंड काफ़ी different parts में रहते हैं. तो आपको उनसे बात करने का मौका मिलता है, उनसे दोस्ती करने का मौका मिलता है, एंड उनके जगह के बारे में जानने का मौका मिलता है, एंड आप उनको अपनी जगह के बारे में बताते हो. एंड ये एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है, एंड आपको बहुत बहुत अच्छा लगता है कि कोई दुबई में रहता है वो आपकी दोस्त है, आपका दोस्त है, कोई सिंगापुर से आपका दोस्त है. तो ये बहुत अच्छी बात हो जाती है कि आपको डिफरेंट कंट्री के लोगों से, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के लोगों से बात करने का एंड दोस्ती करने का मौका मिलता है. एंड द फिफ्थ एंड द लास्ट एडवांटेज इज़ नो एक्स्ट्रा वर्क स्ट्रेस.
नो एक्स्ट्रा वर्क स्ट्रेस इसलिए कि आप अगर कैबिन क्रू हो तो आपका जो भी काम है वो सिर्फ फ्लाइट में रहता है. जैसे ही आपने फ्लाइट से बाहर स्टेप किया आपका कोई काम नहीं रहता है. आप अपना सारा काम फ्लाइट में कंप्लीट करके आ जाते हो. एंड आपको जैसे हम 9 to 5 जॉब करते हैं तो आपको घर आके आपके क्या असाइनमेंट्स रहते हैं, लैपटॉप पे काम रहता है, वैसे एक्स्ट्रा काम बिल्कुल भी नहीं रहता है. आप अपना सारा काम स्टार्ट भी फ्लाइट में करते हो, एंड भी फ्लाइट में करते हो. एंड जैसे ही आप फ्लाइट से बाहर निकलते हो आप एकदम फ्री एंड विदाउट एनी बर्डन बाहर निकलते हो, बिना कोई वर्कलोड लिए बाहर निकलते हो. तो ये एक बहुत अच्छी बात रहती है कि आपका सारा काम स्टार्ट भी फ्लाइट में होता है एंड एंड भी फ्लाइट में होता है. सो दिस इज़ द 5th एडवांटेज ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. सो या गाइस, दिस वर द 5 प्रोज और एडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू. एंड इफ यू वांट मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, hit the like button. If you found this video helpful, share this video as much as you can and comment down below if you have any question or any topics related to cabin crew. I'll surely make a video on it. And please subscribe to my channel and share this video as much as you can. And yeah, that's it for today. Have a nice day. Bye bye.